हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी, न्यूज 18 इंडिया का वो कार्यक्रम है मोदी वतन मुसलमान। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या वो करो, उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहां तक मोदी का सवाल है, तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार हैं, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपलसरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों, ताजिए के नीचे, हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा, आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। दूसरा, 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। तो मैंने सोचा भाई जरा रियलिटी जाननी चाहिए, तो मैंने हमारे 30 कार्यकर्ताओं का, युवाओं का एक ट्रेनिंग कैंप किया, उनको सर्वे करना सिखाया। सर्वे मतलब वो आंकड़ों वाला सर्वे नहीं, बातचीत कैसे करनी, बात कैसे निकालनी। अहमदाबाद में एक माणिक चौक करके जगह है, वो माणिक चौक में शाम को लोग खाना खाने जाते, खावानों ने पीवानों, पर वहां दिन में जो बिजनेस है सारे व्यापारी हैं और खरीदार सारे हिंदू है, बड़ा यूनिक मार्केट है। मतलब सारे व्यापारी मुसलमान, सारे व्यापारी मुसलमान है और सारे खरीदार हिंदू है, और वो इतनी भीड़ होती है जी, पैदल नहीं चल सकते, साइकिल को तो लेके जाना इम्पॉसिबल है। अब दिवाली में बड़ी बहुत है ना, आप अंदर गए 2 घंटे से निकल नहीं सकते, और हर प्रकार की चीजें बिकती है वहां। मैंने कहा मुझे उसी मार्केट में सर्वे करना है, वहां सर्वे करना, तो मैंने लड़कों को भेजा और मैं डेली रिपोर्ट लेता था। वो गए, पूछते थे कि आप बताइए दिवाली कैसी है। नहीं यार, दिवाली बहुत अच्छी है, ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी आपसे पूछने वाली थी, 2002 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो बोले दिवाली बहुत अच्छी है। तो वो कहता था उसको जरा चुभने के लिए, वो कहता था देखिए मोदी बैठा है यार दिवाली, हे मोदी का नंबर लो। ये बच्चा होता था उनका, बोले इसकी माँ सुनेगी ना तो मुझे रात को खाना नहीं देगी। बोले क्यों? अरे बोले मोदी नहीं आया ना तब तक ये स्कूल नहीं जाता था, बोले मोदी आया तो स्कूल जा रहा है, ये दिवाली की छुट्टी है तो मेरे यहाँ दुकान पे मेरी मदद कर रहा है। बोले पहले कभी दुकान पे नहीं आता था, बोले मेरा सर फूट जाता था। बोले उसकी माँ इतनी खुश है कि मेरे बच्चे सब, उनका जीवन बन रहा है। तो बोले मोदी के खिलाफ मेरे अगर मैं मत बोलो, बोले और करीब करीब 90% दुकान वालों का तर्क अलग अलग होंगे, यही जवाब था। दूसरा, मुझे कुछ महिला एक बार मिल जाए, मुस्लिम महिला, तो बड़ी बधाई दे रही थी, फिर कुछ अपेक्षाएं लेकर के आई थी। मैं कहा क्या बधाई? बोले वो जुहापुरा की थी, और जुहापुरा वो है, मैं गई हूँ जुहापुरा, जहाँ करीब 3-4 लाख मुसलमान का एक घेटोज है। तो बोले हम वहाँ से आए हैं। मैंने कहा कोई तकलीफ है क्या, कोई पुलिस वाला, कोई सरकार कुछ हैरान करती है आपको क्या? नहीं नहीं बोले साहब, हम तो आपके अभिनंदन करने आए हैं और कुछ काम लेके आए हैं। मगर बताइए, बोले आपने बिजली का काम किया ना, बहुत अच्छा किया,
मैंने कहा कहाँ, वो तो मैंने बहुत बुरा किया है। मैंने कहा मैंने 35 किलोमीटर केबल उस इलाके 35 किलोमीटर केबल उखाड़ के फेंक दिया है और वहाँ कोई सरकारी आदमी नहीं जा पाता था। बोले साहब वही अच्छा काम किया है। मैंने कहा कैसे, मैंने तो बिजली काट दी, मैंने तो केबल काट दिए। बोले नहीं साहब, हमारे यहाँ आपका तो एक बोले बिजली मंत्री है, हाँ। हमारे यहाँ हर मोहल्ले में बिजली मंत्री है, और बोले बिजली दे करके वो हमसे पेमेंट लेते थे, केबल उनके थे। बोले सरकार की बिजली चोरी करके हमको बेचते थे, हमारे पैसे बहुत जाते थे। बोले अभी रेगुलर बिजली मिल रही है, कोई हमें दादागिरी नहीं करता है। बोले इसलिए हम आए हैं। पहले मेरे पर अखबारों में उस समय अखबार मोदी ने वहाँ पर जुल्म कर दिया, सारे केबल काट दिए। एक्चुअली मैंने उनका भला किया। तो ऐसा मेरे जीवन में सैकड़ों घटना है जी, लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूँ। क्यों? मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूँ, और जो गलत है वो सब मैं गलत कह के रहूंगा।